शब्द भेदी। हाँ भ्राता, श्री लक्ष्मण सत्य कह रहा है, परंतु वो धनुष बाण है कहाँ? कहीं दिख तो नहीं रहा। मारुति को स्मरण कराने पर उसे सारी शक्तियां स्मरण हो जाएंगी। श्राप? कैसा श्राप? और किसने दिया हमारे मारुति को श्राप? दुखी मत होइए नाना जी, सृष्टि में जो भी घटित होता है उसके पक्ष में कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ये बात भिन्न है कि हम उस कारण को देख नहीं पाते, तथा द्वितीय सत्य नियति द्वारा निर्धारित विषयों पर प्राणी का कोई वश नहीं होता। नाना श्री, हमें इस समय ये दुखदायी तो अवश्य लग रहा है, परंतु हो सकता है कि आगे भविष्य में ये वरदान सिद्ध हो, सुखदाई हो। ईश्वर करे ऐसा ही हो पुत्र, ऐसा ही हो। पुत्री, भ्राता श्री, आज आपको अत्यधिक आनंद आएगा इस धनुष बाण को चलाने में। परंतु बाण चलाने के लिए ध्वनि तो चिन्हित करना होगा, अन्यथा ऐसे किस ध्वनि पर चलाएंगे बाण? तो आइए ना चलकर किसी ध्वनि को चुनते हैं। ध्वनि सुनाई दे रही है ना, इस पर चलाते हैं वाण। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, कहीं कुछ हो गया तो? अरे, शब्द भेदी बाण है, इसे चलाने के लिए ध्वनि का होना अनिवार्य है। परंतु सर्वप्रथम प्रत्यंचा तो चढ़ा लीजिए भ्राता श्री। बारानी, आज बहुत समय से चारों पुत्रों को नहीं देखा, कहाँ है वो? बाहर खेल रहे होंगे महाराज, ये लीजिए। Yeah.
चढ़ाई किसने? किसने चढ़ाई शब्देदी बाण की पतंचा? भ्राताश्री ये वाण लीजिए। कौन कौन महाराज? रुक जाइए महाराज, महाराज रुक जाइए महाराज, महाराज क्या हुआ पिताश्री, आप इतने अशांत क्यों हैं? राम, ये धनुष बाण तुम्हें कहां से मिला? शस्त्रगार से। राम, ये शब्द भेदी धनुष बाण है, जीवन में आज के बाद इसे कभी स्पर्श नहीं करना। लाओ तो इसे मुझे दो। परंतु पिताश्री, ऐसा क्या है इसमें? राम, बस पुत्र, मात्र ये ध्यान रहे कि आज के पश्चात तुम इस धनुष बाण के विषय में कभी नहीं सोचोगे। केवल इतना जान लो पुत्र कि ये तुम्हारे पिता के जीवन का कलंक है। तुम राम, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। इस धनुष से निकला हुआ बाण किसी का भी अहित कर सकता है, इसलिए इसे आज के बाद कभी स्पर्श मत करना। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मुझे ज्ञान नहीं था कि मेरे इस कृत से आपको कष्ट होगा। कोई बात नहीं राम, मुझे ज्ञात है तुमने ये भूल जानबूझकर नहीं की है। भूल तो हो जाती है पुत्र, अनजाने में, अज्ञानतावश एवं कभी कभी जिज्ञासावश। ऐसा प्रतीत होता है इस तथ्य के पीछे कदाचित गहरी एवं गंभीर बात है जो पिताश्री के मुख से निकलते निकलते रुक गई। नहीं माँ, नहीं। हाँ मारुति, हाँ
मैं ही कारण हूँ तुम्हारे अहित का, इन सब की उत्तरदायी मैं हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि मारुति सदैव मेरे आंखों के सामने रहे, पल भर के लिए भी मुझसे ओझल न हो, दूर न हो, और मेरी यही भावना, यही प्रार्थना तुम्हारे जीवन की बेड़ी बन गई और मेरे जीवन का शूल, समस्त घटनाओं और दुर्घटनाओं की मूल में चला जा मारुति, मुझसे दूर चला जा, मार डालूंगी मैं अपनी ममता को, हत्या कर दूंगी अपनी ममता को, कि तुम्हें अपनी ममता को तुम्हारे मार्ग का रोड़ा बनने नहीं दूंगी, अपनी ममता को तुम्हारी शिक्षा और ज्ञान का बाधक नहीं बनने दूंगी, तू चला जा मुझसे मारुति, मैं कदापि ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, बस माँ बस, अब कुछ मत कहो, आप जिस ममता और स्नेह को दोषी ठहरा रही हो वही तो मेरे जीवन का आधार है, वही तो मेरी शक्ति है माँ, उसी से मेरा अस्तित्व है, जिन शक्तियों के जाने से आप इतना दुखी हो आपसे ही तो मुझे वो शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यदि मैं आपका पुत्र नहीं होता तो वो शक्तियाँ मुझ में कहाँ से आती, आपने ही तो मुझे योग्य बनाया है, मैं तो इस सृष्टि का सबसे सौभाग्यशाली पुत्र हूँ क्योंकि मेरे पास आप जैसी माँ है, मुझे किसी ज्ञान की किसी गुरुकुल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे पास आपके रूप में इस संसार की सबसे अच्छी गुरु, सबसे विशाल गुरुकुल तथा सबसे बड़ा ज्ञान है। तुमने मेरे सारे भ्रम मिटा दिए मारुति, पर्वत समान बोझ को मेरी आत्मा से हटाकर मुझे मुक्त कर दी, मैं अपने जीवन में पाकर मैं मुक्त हो गई मारुति, धन्य हो गई, धन्य हो गई मारुति। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, कभी शांति से जी नहीं सकोगे तुम, पुत्र वियोग का भय सदैव पीछा करेगा तुम्हारा, तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे, जिस प्रकार तुमने हमें पुत्र वियोग दिया है उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में झुलसते रहोगे। नहीं, नहीं, मुझे श्राप दो, मुझे श्राप मत दो, मुझे श्राप मत दो, मत दो श्राप मुझे। क्या हुआ महाराज? श्रवण के माता पिता ने जो श्राप दिया था मुझे उससे मेरा समस्त जीवन व्यर्थ और कलंकित हो गया महारानी। भूल जाइए महाराज, भूल जाइए उस श्राप को, एक दुखद स्वप्न समझकर भूल जाइए। कैसे भुला दूं महारानी, कैसे विस्मृत करो उस घटना को, कैसे वो श्राप और यही धनुष और बाण दोनों मेरे समक्ष यथार्थ बनकर खड़े हैं, बार 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 वो दिन और वो समय मेरे समक्ष आकर खड़े हो जाते, कैसे विसारूं वो दिन, कैसे महारानी, जब यही धनुष बाण लेकर मैं सरजू नदी के तट पर शिकार करने गया था,
सुमन जी, जी महाराज, अब आप सेना सहित यहीं रुकिए, अन्यथा हम शिकार नहीं कर पाएंगे। परंतु महाराज, आपके साथ किसी ना किसी का होना अति आवश्यक है। तो है ना मेरे साथ ये शब्द भेदी धनुष बाण। अब आप लोग चिंता मुक्त होकर विश्राम कीजिए। हम आखेट से ऐसा शिकार लेकर आएंगे कि आप सब प्रसन्न और संतुष्ट हो जाएंगे। ये प्रथम अवसर है जब महाराज ने आखेट पर अकेले जाने का निर्णय लिया है। कदाचित कोई अनर्थ ना हो जाए। मानव पदचिन्ह, आश्चर्य है, इस नरभक्षी पशुओं के क्षेत्र में ये मानव पदचिन्ह कहां से आया? श्रवण जी माँ, अभी हम कौन सी नगरी में हैं? राजा दशरथ की नगरी में हैं माँ। सुना है वे बहुत ही प्रतापी एवं दानी राजा हैं। पुत्र जी, पिताजी, उनका कुल ज्ञात है तुम्हें? जी पिताजी, उनका कुल रघुकुल है। उसी कुल के वही रघु जिन्होंने अपने गुरु को दिए वचन के निर्वाहन हेतु स्वयं को सिंह के समक्ष अर्पित करने के लिए तत्पर हो गए थे। जी, ईश्वर उनका मंगल करे। श्रवण कहाँ रह गया? बहुत
विलंब कर दिया उसने आने में, वो अब तक आया क्यों नहीं? नदी दूर होगी तो जल लाने में समय लगेगा ना, धीरज रखो। हमारा श्रवण हमारे प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? वो मौन क्यों हो गया है? श्रवण, तुम्हारी वाणी को क्या हो गया है?